अरविंद केजरीवाल को राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। हाईकोर्ट में उनकी गिरफ्तारी वाली याचिका पर बुधवार सुनवाई होनी थी, लेकिन सुनवाई टल गई है। अरविंद केजरीवाल ने ईडी की कार्रवाई और गिरफ्तारी को लेकर निचली अदालत में याचिका दाखिल की थी। पूरे मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें SGSV राजू ने याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग की है। ईडी के वकील SV राजू ने कहा कि उन्हें याचिका की कॉपी कल ही प्राप्त हुई, ऐसे में उन्होंने कोर्ट से समय की मांग की है, जिसके बाद याचिका पर सुनवाई टल गई। उस पर अरविंद केजरीवाल के वकील सिंघवी का कहना है कि ईडी जानबूझकर समय बढ़ा रही है। आपको बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल द्वारा दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए उसे खारिज कर दिया था, जिसके कुछ ही घंटों बाद ही ईडी की टीम ने पूछताछ की और अरविंद केजरीवाल को उनके ही आवास से गिरफ्तार कर लिया। केजरीवाल को कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन के मामले में 21 मार्च की रात को गिरफ्तार किया गया है और स्थानीय अदालत ने उन्हें 28 मार्च तक पूछताछ के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया है। याचिकाकर्ता सुरजीत सिंह यादव ने जनहित याचिका में कहा कि मुख्यमंत्री के तौर पर केजरीवाल द्वारा इस तरह के आदेश जारी करना कानूनी ढांचे के साथ साथ निष्पक्ष और उचित जांच के सिद्धांत के भी खिलाफ है। ईडी ने केजरीवाल पर कुछ खास लोगों को लाभ पहुंचाने के इरादे से आबकारी नीति के निर्माण के दौरान कथित तौर पर रची गई साजिश में प्रत्यक्ष रूप से संलिप्त होने का आरोप लगाया है। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।